ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। हमारे एक मंत्री के बेटे ने अपनी पूरी टीम के साथ उनको रोन दिया गया और इस तरीके से मारा गया उन लोगों को कि देखने लेकर हर हृदय विदारक एक सीन है वो जो टीवी में दिख रहा है जिस प्रकार की सारी चीजें। ऐसा तो जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उस समय भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। बहुत दुख का विषय है ये इस चीज को लेके। आज हम लोग आज अन्ना हजारे जी की जो एक राष्ट्रीय संगठन बनाया है राष्ट्रीय लोक आंदोलन उसके तहत आज हम लोग उनकी आत्म शांति के लिए हम लोग यहाँ पर एक दिन का उपवास और सत्याग्रह कर रहे हैं। ऐसा हमको ऊपर से आदेश हुआ है अन्ना हजारे जी के द्वारा कि सभी देश में सभी राज्यों में आप लोग उपवास रखो और अहिंसा के तरीके से इस आंदोलन को चलाओ। हिंसा बिल्कुल मत होने दो और हिंसा होगी तो लोग हमको बदनाम करेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आंदोलन हमारा अहिंसा चले और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ बहुत मुश्किल से सरकार को हम लोग लड़ाए थे हमें पूर्ववर्ती सरकारों से विश्वास नहीं था इसलिए इस सरकार को लड़ाया गया था। लेकिन ये सरकार उससे ज्यादा ताही की तरह काम कर रही है तानाशाही की तरह काम कर रही है। हमें लगता है कि अभी सरकार के बुरे दिन आ गए हैं अभी सरकार के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा पूरे देश को उस राष्ट्रीय लोक आंदोलन के तहत अब काम करना होगा और पूरा देश जब इस देश में संगठन पूरा बन जाएगा तब अन्ना जी के नेतृत्व में 2011 से भी बड़ा ये आंदोलन होगा और हम इस सरकार को बदल के रखेंगे ये हम लोगों ने निर्णय लिया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। हम भी ये कहते हैं कि पूरे देश को समाज को जो है किसानों के साथ खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग तो ये कहते हैं न्याय ज्ञान हो और न्याय ज्ञान के साथ दिखा दिए सरकार ने लेकिन निष्पक्ष जानो चाहते तो आज सुख सालों में लगातार होती जानी चाहते लेकिन उसका रिजल्ट है बिल्कुल ऐसा हो कि ताकि प्रजातंत्र बहुत कुछ हो। सबसे पहले तो हम जो लखीमपुर खीरी में जो कल हिंसा हुई है और हमारे जो किसान भाई इसमें मरे हैं हमारे राज्य स्वराज पार्टी उनको श्रद्धांजलि देती है और हमारी मांगे ये हैं कि सरकार इस तरह का जो दमनकारी नीति अपना रही है और जो परेशान कर रही है बहुत ही मतलब दुखद है और हम मांग करते हैं कि सरकार ने जो किसान विरोधी इस तरह की जो नीतियाँ बना रखी हैं उसको ख़त्म करें। हमारे इस दमनकारी सरकार से हमारी बस ये मांग है कि जो हमारे जो बिल वगैरह हैं उनको वापस लें और कितने किसान हमारे इसमें कम से कम 650 किसान हमारे इसमें लगभग मतलब मारे जा चुके हैं और हमारी बस ये कोशिश है कि जनता के ऊपर जिस तरीके की हमारा जो देश है भारतीय हमारा कृषि प्रधान देश है और हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके ऊपर जो इस तरह से जुल्म हो रहा है वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार से यही मांग है कि किसानों के ऊपर जो चल रहा है इसका बिल्कुल हम विरोध करते हैं। और हमारी जो राज्य स्वराज पार्टी है आज हम सब लोग जो लखीमपुर खीरी में हुआ जो नरसंहार है उसका विरोध करते हैं। कल लखीमपुर खीरी में जो भी किसानों के साथ हुआ और चार लोग और उसमें अन्य मारे गए जिसमें एक पत्रकार भाई भी थे तो जो भी वहाँ पे हुई हिंसा हुई उसका कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और सरकार से अपील करती हूँ कि दमनकारी नीति न अपनाएं और किसानों की जो भी डिमांड है जो भी उनकी मांग है जल्दी से जल्दी उनसे बातचीत करें और कोई रास्ता निकाले क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। अगर वो खेतों में काम नहीं करेंगे अन्न नहीं उगाएंगे तो उस चीज़ का हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ने वाला है और देश का बुरा हाल है। किसान को इस तरह की दमनकारी नीति नहीं अपनानी चाहिए। जिंदाबाद
सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। अरे योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है। समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से किसानों के प्रति पूरी तरीके से असंवेदनशीलता का व्यवहार कर रही है। एक साल आंदोलन के हो गए, उनको ये नहीं मालूम कि किसानों की क्या समस्याएं हैं। योगी और मोदी को ये नहीं मालूम खेती किसानी कैसे होती है। मैं समझता हूँ कि इमीडिएटली लखीमपुर में जिस राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों की हत्या की है, मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन उस मुकदमे में कुछ नहीं होगा जब तक राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होता। राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज से जांच कराई जाए। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बदसलूकी पुलिस ने की, उसकी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है, भर्त्सना करती है। ये है JMD News & Network और आप देख रहे हैं ITV हिंदुस्तान।